सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का सर विजय कुमार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे कि अपने साथियों के साथ में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़, उसके अंदर सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो ये जो है SSSC, मतलब सोसाइटी फॉर सेंट्रल रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर जो निकली हैं वैकेंसी, उनके बारे में बात करेंगे। साथियों, इसके अंदर आपकी निकली हुई है क्लर्क की वैकेंसी, जिसकी कि ऑनलाइन आप एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं आपके 15 अक्टूबर से, और लास्ट डेट इसकी 30 अक्टूबर है रात 11:59 PM तक। ये डिटेल है दोस्तों आपकी कैटेगरी वाइज। टोटल वैकेंसी जो है वो 390 हैं, जनरल की 198 हैं, SC ST हरियाणा के लिए 66 हैं, BC ऑफ हरियाणा इनके लिए जो है BCA के लिए 45, BCB के लिए 27, और फिजिकल हैंडीकैप है उसके लिए 5 हैं। एक्स सर्विसमैन हैं हरियाणा के तो उनके लिए 21 हैं। इसमें जो है जनरल की टैगरी से हैं तो एक्स सर्विसमैन तो 21, SC ST से हैं तो 6, और BCA से हैं तो 12, और BC B से हैं तो 10। साथियों, इसके अंदर दिया गया है कि जो वैकेंसी हैं वो जो है किसी भी नोटिस के बगैर वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती हैं, ये आपको दिया गया है। दूसरी स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए कैटेगरी जो है मायने नहीं रखेगी, वो मींस जनरल के अंदर काउंट किए जाएंगे, ऐसा कुछ शायद जो है इसके अंदर। आप अब एज की बात करते हैं तो साथियों, तो उसके अंदर आप जो है एज क्लर्क के लिए तो ये दिखा गया है कि 1/1/2022 विलेज अंडर, तो इसके अंडर जो है इतनी हो जानी चाहिए। तो जनरल के लिए 18 से 42, SC ST के लिए 18 से 47, BC के लिए 18 से 47, और एक्स सर्विसमैन के लिए 18, और उसकी सर्विस का पीरियड प्लस में 3 ईयर्स। ऐसे PHC के लिए हैं जो 10 ईयर्स के लिए रिलैक्सेशन है, ठीक है, तो इसलिए जो है उसकी 55 जो है एज, और ऐसे इन सर्विस एम्प्लॉय के लिए हैं। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं ये छूट। क्वालिफिकेशन क्या होगी साथियों, इसके अंदर लिखा गया है बैचलर किसी भी जो है साइंस से हो चाहे आर्ट्स से हो, और उसके साथ में शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन, तो मैट्रिकुलेशन मतलब 10th एग्जामिनेशन के अंदर उसके पास में हिंदी होनी चाहिए, और वन सब्जेक्ट एंड मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर पर काम करने की प्रोफिशिएंसी भी उसके पास में होनी चाहिए, वही एलिजिबल है। तो ये साथियों इसके अंदर कंप्लीट डिटेल दी गई है, आप ये नोटिस दे सकते हैं साइट पर जाकर के। ये फीस दी गई है मेन के लिए, ये मेन के लिए है, जनरल के लिए 825 हो जाएगी टोटल, और SC BC के लिए 525, और कोई अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो उनको उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही फीस देनी होगी। फीमेल के लिए उसके अंदर ये 625 और 525 कैटेगरी वाइज ये हो जाएगी। ये एडमिट कार्ड आपको जो है जो मेल भरेंगे आप उस मेल पर भी इन्फॉर्म किया जाएगा, और ये जो है साइट दी गई है इससे आप ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और तब आ जाएगा एडमिट कार्ड। तो जो है जब आप इस एडमिट कार्ड पे एक फ़ोटो लगा करके जो आप भरते टाइम पे लगा रहे हैं उसको गजेटेड ऑफिस से साइन करवा करके तब आपको इसको लेकर के जाना होगा। टेस्ट सेंटर जो रहेंगे इसके पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के अंदर रहेंगे टेस्ट जहाँ होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्ज़ामिनेशन की जो डेट है वो साथियों इसके अंदर दिया गया है कि नवंबर और दिसंबर के अंदर इसका पेपर ले लिया जाएगा। क्या शेड्यूल रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, तो ये सब्जेक्ट जनरल नॉलेज और इंग्लिश कंपोजिशन ये पेपर रहेगा, ये मार्क्स
50-20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे ये जो है इंग्लिश के और जनरल नॉलेज के, और 30 जो है सब्जेक्टिव आएगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स 33% होने चाहिए, बट एग्रीगेट सब में जो है 40% मार्क्स होने चाहिए। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद में कंप्यूटर का आपका जो है एक इंग्लिश के अंदर स्पीड होनी चाहिए आपकी 30 वर्ड पर मिनट, तो ये टाइपिंग स्पीड भी कैलकुलेट की जाएगी। इसके अंदर कंप्लीट डिटेल दी गई है, ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी लगाया जाएगा, तो ये नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो साथियों इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, हमने आपको ये डिटेल दी है कि क्लर्क की वैकेंसी कोर्ट के अंदर निकली हुई है, तो उसके अंदर आप अपने अप्लाई कर सकते हैं और अपने साथियों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।